खबरों की नई पहचान। धनबाद के दामोदरपुर में बीती रात 3 की संख्या में धारदार हथियार से लैस अपराधियों ने एक घर में रह रहे किराएदार संतोष राव के यहाँ लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि घर के लोगों द्वारा शोर मचाने से वह भाग निकले, लेकिन जाते जाते एक बक्सा ले गए जिसमें 3000 नकद सहित सोने की नथनी और बैंक पासबुक सहित कई जरूरी कागजात थे। गृह स्वामी ने बताया कि उसे 5000 वेतन मिला था, जिससे घर का सामान लाने के बाद बाकी के 3000 बक्सा में रखा था, जिसे चोर ले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटना हुआ है कि भाड़ादार का घर में घुस गया था और चक्कू भिराया, बोला कि एकदम हल्ला मत करना। उसका एगो बस्का था, उसमें वही नया नया कपड़ा भरा हुआ था, सोना का नथ का था, 5000 रुपया था और 3 आदमी का खाता था, आधार कार्ड था, ये सब लेके चल गए। क्या कुछ हुआ था, मतलब आप लोग देखे क्या कुछ हुआ उसके बाद? उसका बाद में जब ऊपर में हल्ला होने लगा तब ये लोग मार मार करके ये किया, ऊपर में हल्ला सुन के ये लोग गेट खोला था। आपके भाड़ेदार है? हाँ, भाड़ेदार के साथ हुआ। हाँ, वो लोग अभी कहाँ है? अभी तुरंत निकले हैं। ऊपर भी आया था? हाँ, ऊपर दरवाजा पीट रहा था खोलो बोल के, तो हम लोग सब शांत हो गए हैं, बोले कि खोलना मत है, अब एक है के आदमी है के आदमी है नहीं है। आपने देखा क्या? हाँ, 3 आदमी को देखे हैं उधर दौड़ते हुए देखे हैं। एक आदमी हमको बोला कि तुम खिड़की तरफ से पैसा फेंको, अन्यथा चक्कू भोंक देंगे हमारा, आप आइए मेरा पास भी चक्कू है, हम भी भोंकेंगे। आपको ना हमको कमा के दिए हैं, आप अपना बेटी बहन को बेचिए तो आपको ढेर पैसा होगा। कितना उम्र का होगा लोगों? 40-45।